फाइनली परफेक्टली ये खुल चुका है। थैंक गॉड यार, मुझे काफी टेंशन हो रही थी, मगर ये भी ना फट जाए। अभी यहाँ पर एक प्रॉब्लम हुई थी, यहाँ पर थोड़ा सा गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। एंड गाइस, अभी मैं उठाऊँ गाइस 10 बजे, थोड़ा लेट उठाऊँ क्योंकि गाइस रात को मैंने कॉफ़ी करके पी थी, जिसकी वजह से मैं थोड़ा लेट उठा था। फिलहाल आँखें भी थोड़ी लाल लाल सी हो रखी है, वो मैं चेक करूँगा पीछे शीशे पे। बस कैमरे में लग तो नहीं रही यार, लग तो नहीं, एक सेकेंड, नहीं लग तो नहीं रही लाल लाल, देखूँगा मैं फिर। फिलहाल गाइस अभी मैं हाथ मुँह वगैरह धो के आया हूँ, तो फिलहाल अभी जल्दी से जल्दी आरती वगैरह करने के लिए गाइस, क्योंकि कल मैं नहाया था क्योंकि गाइस काफ़ी ज़्यादा सर्दी लग रही थी ना। तो फिलहाल जल्दी से जाते हैं आरती वगैरह करने के लिए, उसके बाद ब्लॉग शूट करेंगे। यार थोड़ा शरीर में यार पेन भी हो रहा है, पता नहीं क्यों लगता है कॉफ़ी पीने से। अब नहीं पीऊँगा यार, सबक मिल गया। फिलहाल आरती वगैरह कर दी है मैंने मंदिर पर आके, फिलहाल अभी चलते हैं घर पर यार। और सर में अभी भी काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, लगता है दवाई वगैरह लेनी पड़ेगी। तो गाइस अभी मैं सो के उठा हूँ, क्योंकि गाइस मैं नहा धो के सो गया था, क्योंकि यार सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था सुबह। हाँ, और फिलहाल अभी गाइस थोड़ी देर में जिम जाने का टाइम होने वाला है मेरा, तो अभी उसके लिए भी थोड़े प्रिपरेशन वगैरह करेंगे, उसके बाद निकलेगी जिम के लिए, ठीक है। और यार अभी भी काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, फिलहाल अभी भी गाइस मैं बेड पर ही सो रहा हूँ, देख समझ रहे हो ना, इसलिए यार रात को शायद मैंने गलत कॉफ़ी पी ली थी, इसके कारण हो गया ये। बाय द वे अभी गाइस जिम जाने का टाइम होने वाला है, आधा घंटे में हम निकल लेंगे जिम के लिए, और बस इतना ही था आज के लिए। अरे गाइस अभी जिम जाना हो चुका है कैंसल, और आज है गाइस खाटू श्याम, जो कि गाइस मंदिर आपने सुना होगा। उसका जन्मदिन आज भगवान का, तो आज 23 तारीख का आज का जन्मदिन बता रखा है, गूगल पे मैंने चेक किया था। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ केक वगैरह लेने के लिए, जिम जाने का कैंसिल हो गया क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो मैं अभी केक लेने जा रहा हूँ, आई होप आप भी मना रहे होंगे जन्मदिन वगैरह खाटू श्याम भगवान का। फिलहाल मैं अभी निकलने वाला था, कोट वगैरह पहन के रेडी हो चुका हूँ, जूते वगैरह पहन के एडी से लेके चेस्ट तक, क्योंकि सब कुछ नहीं पहन रखा है। ओके मैं निकलने वाला हूँ, और लगता है थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि रात को है ना गाइस अपने ये सुबह चौक वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भड़ाका हो जाता है गाइस। फरीदाबाद में इन जगहों का नाम ऐसे सुबह चौक, सपन चौक, बढ़ाना चौक, ऐसा ही कुछ। फिलहाल अभी जल्दी से चलते हैं, नितिन भी जाएगा बिना जूतों के। अरे रहने दो, वीडियो बना रहा हूँ मैं। हाँ ओके बाय नितिन, मैं जा रहा हूँ, बाय। सॉरी 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 सॉरी, आ जाओ। फिलहाल अभी मैं केक वगैरह लेके आ चुका हूँ, फिलहाल गाइस मैं जा रहा हूँ मंदिर पे आरती वगैरह करने के लिए, उसके बाद में गाइस बर्थडे मनाएंगे खाटू श्याम भगवान का। और गाइस मैं आपको बता दूँ, मैं काफ़ी बार दर्शन करने के लिए गया भी हूँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है, काफ़ी पॉजिटिव वाइब आती है गाइस वहाँ पर जाने के बाद में, आप ज़रूर विजिट करना। हो सके तो गाइस हम फिर से जाएंगे, तो मैं आपको ब्लॉग जरूर बना के दिखाऊंगा। 2-3 महीने पहले गाइस मैं गया था, लेकिन ब्लॉग नहीं बनाया था यार, बात ये है मेन प्रॉब्लम। मैं गया था गाइस, मतलब तीर्थ यात्रा पे गया था गाइस, पूरी फैमिली गई थी इसलिए। बाकी फिलहाल अभी आरती वगैरह चलते हैं, हीरा लाइट वगैरह जल्दी ऑन करते हैं।
यार सारी लाइट ना ये डिम हो चुकी है, फ्यूज उड़ गया है, इनको चेंज करवाना पड़ेगा। पंखा ऑफ कर देता हूँ यार, ठंड लग रही है। पहले वैसे को जैकेट वगैरह पहन के आया हूँ मैं, मंदिर भी साफ सुथरा कर रखा है। चलो सही है, पापा ने कर दिया होगा सुबह। चलो ठीक है, बैठते हैं, आरती की थाली लगाते हैं और जल्दी से करते हैं आरती तैयार, क्योंकि इसके बाद हमको केक वगैरह भी काटना है खाटू श्याम का। सामान अंदर रखा है साइड से। तो गाइस फिलहाल सारा सामान वगैरह ला के रख दिया है, दिए जलाते हैं, उसके बाद अगरबत्ती वगैरह जलाएंगे, उसके बाद आरती तैयार करेंगे। वैसे साफ़ सुथरा काफ़ी अच्छा लग रहा है इस मंदिर, बताना ज़रूर। सफाई में यार टाइम काफ़ी लगता है ना इसमें। फिलहाल गाइस अगरबत्ती वगैरह तैयार कर लिए और नितिन भी जलाएगा, नहीं अभी नहीं, एक सेकंड फिल्म पहले थोड़ा फिल्म वगैरह करते हैं। एक लो, एक एक इसकी फिर डर लग रहा है, एक सेकंड में वैसे देता हूँ इसको। इस नितिन तो बैठे बैठे कर रहा है यार, मुझे तो काफी अजीब लग रहा है, फिलहाल मैं भी कर लेता हूँ। गाइस मैं फूल की माला वगैरह लाया था तीन, तो गाइस उसमें से दो यहाँ पर चढ़ा देंगे और एक वो खाटू श्याम की जगह पे, वहाँ पर मैं फूल की माला अलग रख दूंगा। तीन है वैसे, काफी बड़ी बड़ी है, हो जाएगा काम अपना। फिलहाल इसमें कुछ फूल है, इसको हम बाहर चढ़ाएंगे। वहाँ पर गाइस मैंने कैंडल्स वगैरह जलाई थी ना, तो उसके साइड में मैं कर रहा हूँ, आ रहा हूँ मैं, दो मिनट बच्चे, दो मिनट। तो यहाँ पर गाइस मैंने चढ़ाई थी, तो यहाँ पर साइड में लगा देता है थोड़ा आराम से। वो आगे निथिन भी, जय हो यार। यार मुझे तो याद आ गएगा ऐसे, वो मंदिर में गया था मैं इसमें, उस दिन खैर रश काफ़ी ज़्यादा था यार, वो अलग बात है। प्रे करो, प्रे करो, प्रे करो, प्रे, यहाँ पर, यहाँ पर प्रे। अरे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे इधर भी झुके, इधर झुके, इधर अब करो करो। अरे ये नहीं बच्चे, ऐसे हाथ जोड़ के, हाँ ऐसे ऐसे, क्या बात है। चल गाइस ये कर दिया है, कचरा वगैरह लोग यहीं पर फेंक जाते हैं, लोग आते हैं गाइस दिए वगैरह जलाने के लिए आते रहते हैं, दिन में काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो यार इसके लिए बाल्टी वगैरह रखी है। फिलहाल पहुँच चुके हैं वापस मंदिर में, आरती वगैरह करके निकलेंगे गाइस अब जल्दी से। नितिन का क्या अंधेरे से डर लगता है, तो ये जल्दी चढ़ जाता है यार, अजीब है यार, नॉर्मली छोटा मैदा फिर मुझे भी डर लगता था वैसे अंधेरे से। जल्दी से आरती की तैयारी करते हैं गाइस, आरती वगैरह तैयार हो चुकी है, जल्दी से दीये वगैरह जलाते हैं, उसके बाद रेडियो वगैरह, फिर आरती वगैरह करेंगे। माचिस से सही होता है गाइस ये, मतलब ये लाइटर से कचरा वगैरह नहीं फैलता, ये सबसे बढ़िया है। ओ भाई काफ़ी ज़्यादा गर्म है, होता है लेकिन यार ये थोड़ा देख के करना पड़ता है, आधा ध्यान वीडियो में, आधा ध्यान आरती में, ऐसे नहीं चलेगा, प्रॉपर देख के करना पड़ता है यार ये काम, बहुत जोखिम वाला काम है। आरती करना नहीं, दिए जलाना, लाइटर यूज करना स्पेशली, आपको किसी की बड़े की हेल्प से ही करना चाहिए यार, क्योंकि थोड़े ज़्यादा ही खतरनाक होता है। नितिन थोड़े दूर से रख जाओ, तेरी ये काफी गर्म हो रहा था गाइस, इसका लॉक निकल गया, देखो इसको तो साइड रख देता तो डर लगता है यार इससे, एक रह गया, इसको भी जल्दी से करते हैं, इसको तो घर में माचिस से कर दूंगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। चलो हो गई आरती, खत्म होने के बाद मिलते गाइस, आरती ले लो, धीरे 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 धीरे। तो भाई मैं भी ले लेता हूँ धीरे 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 धीरे।
फिलहाल गाइस अभी जल्दी से चलते हैं, आरती वगैरह हो चुकी है और अभी है केक काटने का टाइम। ओके जल्दी चलते हैं, तुम यहाँ पे रह जाओ, मैं तुमको नहीं लग रहा, देखना आप सीन। सॉरी आ जाओ। फिलहाल गाइस घर वाले मंदिर पे काटे गए केक, फ्रिज इधर है, फिलहाल केक वगैरह निकालते हैं। चुप हो जाओ, ये रहा अपना केक। इसमें फूल लेना तो भूल ही गया था फ्रिज में से, अभी आ जाओ वापस लेने के लिए। आ जाओ बंद कर दे, आ जाओ यार बैठते हैं। गाइस ये में तेल ज्यादा ही भर दिया आराम से, तो मत हिला यार, तीन बच्चे मत हिलाओ, साइड में करते हैं। चलो इसको इसको यहाँ पर चुप इधर के लिए इसको ऐसे अब निकालते हैं फूल। गाइस ये कुछ ऐसा लग रहा है, बताना कमेंट में। और अभी दिए वगैरह जलाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो माचिस रखी है, माचिस चल जाएगी। ये गाइस दिवाली के काफ़ी ज़्यादा बच गए थे दिए मेरे पास घर पे, पूरे के पूरे इसका मैंने 200 दिए रखे हुए हैं। केक बताओ यार, क्रीम वाला है या चॉकलेट वाला, दोनों में से एक है, आपको गैस करना है। आउच लड़की चली गया था, नितिन को तो नहीं लगी? नहीं लगी, ये तो काले। चुप हो जाने नितिन, चल गई ये जल चुका है। भाई सब निकालता है केक। निकल जाओ यार, मैंने अंकल को बोला था गिफ्ट रैप के लिए, लेकिन उन्होंने किया नहीं। वैसे जरूरत थी इस गिफ्ट रैप की आपके हिसाब से? नहीं थी। देखो बर्थडे वाला नाइफ भी दिया था अंकल ने, पर देखिए हैप्पी बर्थडे यहाँ पर खाटू श्याम लिखा होता तो और भी सही लगता है यार। अभी केक खोलने का टाइम आ चुका है, इसका रिएक्शन देखेंगे नितिन का। अभी नहीं सभी साइड में बैठ, अभी नहीं काटना, एक सेकंड। इसको कहाँ पर लगाऊँ? इसको लगाता हूँ यहाँ पर, अच्छा लग रहा है मुझे तो, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपकी वाइज मुझे नहीं पता आपका टेस्ट कैसा है, इन चीज़ों में तो ठीक है, आपको कहीं यहाँ आपको यहाँ पर अच्छा लग जाएगा और क्या। ओके इसको यहाँ पर लाइट करते हैं। तो गाइस फिलहाल अभी मैंने बॉक्स को पूरी तरीके से खोल लिया है यार, ये थोड़ा टेढ़ा सा नहीं लग रहा यार, थोड़ा केक डैमेज हो गया अपना। चल फिलहाल कट करते केक, नितिन तुम करो मैं करवाता हूँ। करते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, किशन भगवान की जय। कट तो कर दिया गाइस केक, इसमें से थोड़ा सा यहाँ पर चला देते हैं यार। नेक्स्ट अब जैसा भी है चंडीगढ़ होते तो गाइस ढंग से करते हैं, यहाँ पर तो कुछ सामान वगैरह भी कुछ भी नहीं लेके आए थे यार, जैसा हुआ वैसा कर दिया मैंने। ऐसे केक को धीरे धीरे लेके चलते हैं, चढ़ा तो दिया, आ जाओ नितिन, आ जाओ नितिन तो अपना स्कूटर लेके घूम रहा है चेतक यार। काफ़ी मुश्किल रहता है इसको फ्रिज में रख देता होगा, इसमें ख़राब हो जाएगा वरना चींटी वगैरह आ जाती ना, इस चींटी वगैरह बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। यार इसको कैसे, फ़ोन को थोड़ी देर बंद करना पड़ेगा यार। कुछ इस तरीके से मैंने रख दिया है, लेकिन तू खाना खाने के बाद में खाना, केक अभी नहीं खिला हुआ। ओके चलते हैं यार, फिलहाल अभी फ्री हो गए हैं, अब खाना वगैरह खाएंगे। गाइस थोड़ा सा लेके चलते हैं, सबको टेस्ट करवा देंगे प्रसाद है, क्योंकि गाइस आखिर ये भी एक केक है, वो फिर भी प्रसाद तो है, थोड़ा सा काट के लिए चलते हैं। गाइस बाहर डीजे वगैरह बज रहे, पता नहीं किस खुशी में किसी की शादी वगैरह होगी। फिलहाल गाइस
खाना वगैरह का टाइम हो चुका है, तो अभी मैं जा रहा हूँ खाना वगैरह खाने के लिए और मैं इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको गाइस ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को जरूर कर देना लाइक एंड मिलते हैं जल्दी एक और न्यू ब्लॉग में। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, इंस्टाग्राम पे फॉलो क्यों नहीं करते नहीं पता नहीं आप कर लेना एंड मिलते हैं जल्दी एक और न्यू ब्लॉग में। तब तक बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो गाइस मैंने सोचा ब्लॉग खत्म करने से पहले गाइस यार मेरे ये दो पटाखे बच गए थे, आपको दिवाली वाला ब्लॉग याद ही होगा, दो खराब हो गए थे तो दो ये बलून मेरे बच गए थे और कुछ चक्री वगैरह भी बच गई थी, तो सोच रहा हूँ इनको भी आज उड़ाई दूँ क्योंकि आज बर्थडे है खाटू श्याम भगवान का, तो आज उनको उड़ाई देता हूँ। वैसे ही यार ये रखे रखे भी खराब ही हो रही थी तो सोचा, लेकिन सबसे पहले बलून वगैरह उड़ाए उसके बाद चक्री वगैरह चलाऊंगा मैं। ओके पहले इसको तैयार कर दे फिर मिलूंगा मैं आपको ब्लॉग में। फिलहाल एक और बलून फट गया था देखो बोरा यार, ये पता नहीं पटाखे नकली सारे लाए थे, सारे के सारे नकली निकले यार। गाइस वो तो फट गया, ये लास्ट वाला है, प्लीज़ यार उड़ जाना यार, लाज रख लेना मेरी यार, क्या ही पता कैसी कैसी बात कर रहा हूँ। खुलते से फाइनली परफेक्टली ये खुल चुका है, थैंक गॉड यार, मुझे काफ़ी टेंशन होती मगर ये भी ना फट जाए। फाइनली अभी जितनी सी मोमबत्ती जलाई यार एक पटाखे के लिए, मतलब सॉरी बलून के लिए, जल्दी से यार रख के फ्लो कर देते हैं। ये बुझ गई तो यार पता नहीं कैसे ही होगा यार, अकेला और रूम है यार। दिवाली वाले दिन तो यार खैर कोई फ्रेंड था, वो भी कई बार गए हुए तो इसलिए मुझे अकेले को ही करना पड़ रहा है यार ये सब कुछ, जल्दी से लेके चलते हैं। गाइस मैं आपको इसकी टेक ऑफ के समय मिलता हूँ सीधे। अभी यहाँ पर एक प्रॉब्लम हुई थी, यहाँ पर थोड़ा सा फटा हुआ है यार, ये आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा फटा हुआ है, लेकिन यार इतने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, प्लीज़ गॉड यार उड़ा दो यार। अब मैं कैमरा नहीं बंद करने वाला, जो भी होगा आपके सामने होगा, ऐसा ना हो सोचो कि आप ये एडिटेड था कुछ भी था। उठ जाओ प्लीज़ ब्रदर, प्लीज़ ब्रदर, हैप्पी दिवाली हमारे लिए फिर से, खाटू श्याम हैप्पी बर्थडे, पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, प्लीज़ प्लीज़ उठ जाओ, जमीन पर रख दूँ कर लैंड हो जाएगा ये, ऑटो लैंडिंग कर ले। तो गाइस इसको थोड़ा यार, एक तो यार मैं सिंगल इंसान हूँ इसकी वजह से मैं थोड़ी इसकी पोजीशन नहीं कर पा रहा, डर लग रहा है यार जल ना जाए, प्लीज उठ जाओ प्लीज प्लीज। वैसे भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का फ्लोट कर रहा है, ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ यार मैं, मुझे सो के यार वीडियो शूट करनी पड़ेगी, प्लीज़ यार प्लीज़ 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 उठ जाओ दोस्त यार, मुझे ऐसी भी आ रही है, इतना भर दिया है उस दिन, आराम से उठ गया था, आज पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, प्लीज़ प्लीज़ जलना पा जलना पा जलना पा। यार देखो ऊपर से थोड़ा बहुत जल गया था यार इससे, लेकिन प्रॉब्लम भी होनी यार, एक जीन्स पहन रखा है यार मैंने, ये प्रॉब्लम हो रही है ना क्या ही बताऊं मैं यार। आई होप गाइस फाइनली, नहीं 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 अभी इसको यार टेक ऑफ जितनी वो प्रेशर वगैरह नहीं मिल रहा है। गाइस मैंने अभी फोन को कहीं पे भी टिका के वीडियो बना रहा हूँ और ये अपनी लास्ट बुलेट है,
इसी के साथ मतलब इसी के साथ गाइस अपनी पूरी दिवाली के पटाखे खत्म होते हैं। अच्छा लगो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर भी कर देना। मिलते हैं जल्दी एक और न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यार मुझे सच में बहुत डर लगता है यार, मैं इससे पहले जो मैं चक्री चलाई थी ना गाइस, उससे डर के यहाँ पर पेड़ के पास आ गया था। ओके लाल, मिलते हैं जल्दी एक और न्यू ब्लॉग में, तब तक गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।